तो फाइनली दोस्तों Redmi ने उनके Redmi Note 13 सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। अब ये जो स्मार्टफोन है वो ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हो गया, इसकी प्राइस आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। इस स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 13 R Pro 5G। ये स्मार्टफोन कैसा है, क्या डिटेल है, क्या डिजाइन है, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। इस बार Redmi अपने Redmi Note 13 सीरीज में पहले की अपेक्षा ज्यादा स्मार्टफोन, ज्यादा मॉडल्स को लॉन्च कर रहा है। अब यहाँ पर Redmi Note 13 सीरीज में एक नया वेरिएंट लॉन्च हो गया जिसका नाम है Redmi Note 13 R Pro 5G। ये जो स्मार्टफोन, अगर बात करें स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है। पीछे की साइड डुअल रियर कैमरा का सेटअप है और यहां पर Redmi के जो बड़े में लिखा हुआ है कैमरा पैटर्न के जस्ट कैमरा मॉड्यूल में ही। साथ ही साथ स्मार्टफोन जो है फ्लैटेस्ट डिस्प्ले डीएन के साथ में आता है और फ्रंट की साइड में स्मार्टफोन जो है वो यहां पर एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले डीएन के साथ में आता है और जो बेजल्स हैं वो काफी थिन है जिससे स्मार्टफोन काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। साथ ही साथ अगर बात करें स्मार्टफोन की कुछ और डिटेल के बारे में, बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसे स्मार्टफोन में 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले यहां पर देखने को मिली है। अब ये AMOLED है कि IPS से वो फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं, ज्यादातर चांस है कि AMOLED डिस्प्ले हमें यहां पर इसमें देखने को मिली है। 108 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा पीछे की साइड देखने को मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। साथ ही साथ स्मार्टफोन में 12GB रैम, 256GB स्टोरेज वेरिएंट है। एंड्रॉइड 13 पे ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुआ है। इसके साथ में अगर बात करें स्मार्टफोन के चार्जिंग के बारे में, बैटरी के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी है, 33W का चार्जर है। स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity सीरीज का एक नया प्रोसेसर देखने को मिला है। इस प्रोसेसर का नाम है MediaTek Dimensity 6080, जो कि आप कह सकते हैं Dimensity 810 का रीब्रांडेड है। Dimensity 810 जो काफी सारे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिला है, सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ये प्रोसेसर भी लॉन्च हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट के बारे में, तो इसमें आपको मिडनाइट ब्लैक, साथ में टिम ब्लू और यहाँ पर मॉर्निंग लाइट गोल्ड कलर देखने को मिलता है। तो ये पूरे कलर वेरिएंट, ये पूरी डिटेल है Redmi Note 13 R Pro स्मार्टफोन के बारे में। अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, स्मार्टफोन की प्राइस क्या है, क्या डिटेल है, तो ये स्मार्टफोन अभी फिलहाल अपने पैरेंट कंट्री यानी चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ है और वहां पर अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो जो प्राइस है वो लगभग 1999 युआन के आसपास आई है, जिसको अगर हम इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 22000 रुपए के करीब प्राइसिंग आती है। लेकिन इंडिया में ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर नहीं आएगा, 15 से 20000 रुपए के अंदर ही ये स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होने वाला है, रैम और स्टोरेज वेरिएंट कम हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल है, Redmi Note 13 R Pro 5G लॉन्च हो चुका है। आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, स्पेसिफिकेशन कैसे लगे, हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।